हेलो दोस्तों, कुक पेस्ट्री विद संतोष, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इस तरह से मैक्रोनी ज़रूर बना कर देखें, और इसमें जो भी सब्ज़ी आपको डालनी है वो आप ले सकते हैं। इसमें हमने लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, शिमला मिर्च ले लिया। इसे अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ों में चॉप कर लेते हैं सब्जी के लिए। इसमें मटर गाजर आप डाल सकते हैं, और हम सारी चीज़ें सब्जियां डालेंगे, इससे बच्चे भी सब्जी खा लेते हैं। और सब अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्जी हमारी कट चुकी है, और ये हमने पानी गर्म होने रख दिया। इसमें हमने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और एक दो चम्मच ऑयल डाल देते हैं, और पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा। फिर इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को इसे अच्छे से चला लें, नहीं तो ये जल जाएगी। और ये अच्छे से उबल आ जाए इसमें, फिर हमारी ये मैक्रोनी उबल जाएगी। इसे चला लें एक दो बार अच्छे से। ये हमारी मैक्रोनी देखिए उबल गई है। कढ़ाई रख दी है हमने गर्म होने। कढ़ाई में ये हमने सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। इसमें ऑयल हम कम ही डालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। इसमें और जीरा डाल दिया है। जीरे को अच्छे से चटकने दें थोड़ी देर के लिए। लहसुन डाल दें, लहसुन तो इस समय बहुत ज़रूरी है। प्याज डाल दिया, अगर नहीं खाते हैं आप तो इसको कर सकते हैं इसे। और इसे हम एक दो दो तीन सेकेंड में अच्छे से रोस्ट कर लें, जिससे इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होगा। इसे हम चलाते रहें। टमाटर डाल देते हैं, और इसी समय सारी सब्जी को हम डाल देंगे। एक तीन मिनट के लिए सब्जी के लिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए हल्के से, इसे हम चला लेते हैं। इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। नमक कम ही डालें, क्योंकि हमने इसमें मैक्रोनी में पहले उबालते समय डाल दिया है। इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं, जैसे धनिया डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, और हल्दी डाल दी है, केचप डाल दिया है। ये मैक्रोनी का ये इसमें मैगी मसाला डाल देंगे, इससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये सभी हम सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं केचप से। अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चों को कैसे पसंद होता है। कैसे इसे मिक्स कर लेते हैं, और धीमे आँच पे इसे मसाले को सब्जी को हम भुनने देते हैं। और ये हमारे सब्जी में थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसमें ये हमने दो चम्मच के लगभग इसमें मलाई डाल दी है। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, फिर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस तरह से मलाई वाली मैक्रोनी ज़रूर ट्राई करें। इसमें अगली ही मैक्रोनी डाल देगी, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैक्रोनी के लिए मसाला अच्छे से इससे कटिंग हो जाएगा, बहुत टेस्टी बनती है मैक्रोनी। मसालेदार, बहुत मसालेदार होती है मैक्रोनी। जैसे तीखा आपको पसंद है, कम या ज़्यादा इस पर वो कर सकते हैं। और ये हमने अब धनिया कट कर दिया है, तो धनिया से गार्निश कर दें। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेते हैं, और इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर रख देंगे। धनिया की खुशबू सारे में फैल जाएगी। ये देखिए हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। ये मैक्रोनी हमारी तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर।